नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप टू सब ग्रुप फोर 2021 का अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें मैं आपको ऑल टॉपिक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें जो रहेंगे वो अर्थमैटिक के रहेंगे, इसमें मैंने एडवांस के शामिल नहीं किए हैं। एडवांस में आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री आती है, ज्योमेट्री आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, हाइट एंड डिस्टेंस आती है, अलजेब्रा आता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर नहीं किए, इसमें मैं अर्थमेटिक करा रहा हूँ। बाकी का जो एडवांस मैथ्स का जो वीडियो रहेगा उसके मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको मध्य प्रदेश पटवारी हो गया और ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का जो एग्जाम होना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 850 और 1111 को विभाजित करती है और क्रमशः 10 और 1 शेषफल बचता है, तो हमें वो संख्या बतानी है, ठीक है। क्रमशः यानी 850 को ऐसी बड़ी संख्या से हमें विभाजित करना है कि उसका शेषफल हमें 10 मिलेगा और 1111 को हम डिवाइड करेंगे उसी संख्या से तो हमें 1 शेषफल मिलेगा, ठीक है। इसमें से आप ऑप्शन से वेरीफाई करोगे सीधा सीधा। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें 60 है और 30 है, फिर 11 है, फिर 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको यही देखने को मिल रही है। तो पहले मैं इसी से डिवाइड करूंगा, तो 850 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारे देखिए कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। ओके, फिर इसको मैं 4 से कर सकता हूँ, 4 6 24। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा 10 शेषफल आ चुका है, ठीक है। अब दूसरी संख्या भी हम देखेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में हमें एक मिलना चाहिए, तो 60 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो ये एक बार जाएगा पहले, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 500 के करीबन है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँ कि ये 500, यानी अगर मैं 9 से करता हूँ, 9 6 54 होता है, 8 से करूंगा फिर मैं, 9 से ज्यादा हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 48 यानी 480 आ जाएगा। एक यहाँ पर आ रहा है और इसमें आप देखोगे 3, यानी 31 जो है वो शेषफल आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, यानी ये वाली संख्या नहीं होगी, क्योंकि एक तो मिल रहा है लेकिन दूसरी संख्या में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमें शेषफल 1 मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर 31 मिल रहा है, तो ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, दूसरी बड़ी संख्या देखूंगा, तो दूसरी बड़ी संख्या आप इसमें देखोगे कौन सी है, 30 है। ओके, 30 है, तो 850 को पहले मैं 30 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से फटाफट से मैं कर देता हूँ, दो बार जाएगा 60, और फिर कितनी बार करेंगे, 8 बार, 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 10 हमारा शेषफल आ चुका है। इसी तरीके से 1111 को करूंगा मैं, ठीक है, तो 30 से, तो 3 बार करूंगा, 90 हो जाएगा, 1 और 9 और 2 11। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखिए कितनी बार 7 से कर सकता हूँ, उसे 7 के 21 हो जाएगा, 0 यानी 210, तो 1 यहाँ पर शेषफल आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा शेषफल आ चुका है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान था, आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही किया करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलेंडर और शंकु समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले हैं। सिलेंडर के आयतन से शंकु का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो सिलेंडर का आयतन है और शंकु का आयतन है, उन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। अब इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो ये क्वेश्चनों को कर पाओगे। ओके, फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, तो जितने भी फॉर्मूला है सभी के आपको पता होना चाहिए। देखिए सिलेंडर हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और शंकु, शंकु जिसे हम कौन बोलते हैं, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसमें हमें त्रिज्या इसकी r दी हुई है, तो इसकी भी त्रिज्या r है, क्योंकि दोनों की समान है। यहाँ पर इसकी हाइट हमें दे दी है h, और इसकी भी हाइट हमें दे दी है h, ठीक है। सिलेंडर का जो एरिया रहता है, आयतन रहता है, यानी आयतन, तो मैं यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम करने वाला हूँ, ठीक है, वॉल्यूम लिख देता हूँ, आयतन, ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है।
और यही बात करता हूं तो कौन का आयतन होता है 1/3 पाई आर। ठीक है, अब दोनों का रेशियो लेना है। देखिए दोनों में सेम ही है, हाइट भी सेम है, त्रिज्या भी सेम है, तो यहाँ पर आप देखोगे सेम ही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का रेशियो लूंगा तो ये हमारा सिलेंडर का हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेंडर और ये हो जाएगा कौन, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कट जाएगा, 3 नीचे है तो ऊपर पहुंचेगा, यानी 3:1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का आयतन, वहीं अगर बात की जाए तो कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों का रेशियो लेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से 1,000 रुपये निवेश करता है, भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना करना है आपको, भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना। तो कितना वो ब्याज देगा 1,000 रुपये पर अगर वो 5 साल के लिए 10% ब्याज पर लेता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है सीधा सीधा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर 1,000 आ जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 1,000 है, टी हमारा समय हमारा कितना दिया हुआ है 5 साल, और रेट हमारी जो दी हुई है वो 10% दी हुई है अपॉन में 100। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 500 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान था, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 वर्ष में 12,500 रुपये की राशि 15,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर हमें बताना है। देखिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जब तक दिया ना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जब तक दिया ना हो तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट ही माना है। ठीक है, मानना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मानना है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा सीधा सीधा। 4 वर्षों में क्या होता है कि 12,500 रुपये की राशि को कितना हो जाती है वो 15,500 हो जाती है। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा सा रेट निकालनी है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना है यहाँ पर 15,500, प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारा जो दिया हुआ है हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 4 वर्ष, रेट हमें निकालना है। एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर पी इंटू 1+RT/100, बस यही हमें अप्लाई कर देना है। अमाउंट 15,500, ठीक है, ये हो जाएगा 12,500, 1+ आर हमें दिया हुआ है निकालना है, दरअसल टी हमें 4 दिया हुआ है अपॉन 100। 0 से 0 काट दूंगा यहाँ पर, और इसमें आप देखोगे कि 5 से भी काट सकता हूँ, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5। ओके, तो 31/25 = 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 100+4R/100 हो जाएगा, और ये चला जाएगा 4 बार। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4/12 बराबर हो जाएगा, या फिर सीधा सीधा आप इससे डिवाइड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं इसको सीधा सीधा डिवाइड ही कर देता हूँ यहाँ से, तो 4 है तो 4 से करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, ये चला जाएगा। तो 31 में से जब आप 25 जाओगे तो 6 बचेगा और बराबर आ जाएगा 4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6% जो है वो इसका आंसर होता है। ओके, आसान था। नेक्स्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, गोली की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। अब इसमें भी आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, गोला का आयतन, यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, दरअसल तो आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। ठीक है, 4πr² होता है, तो यही हमें दिया हुआ है। तो 4πr² बराबर कितना हो जाएगा 616, 4 से इसे काट सकता हूँ मैं, 4×1=4, 2×4=20, 4×6=16। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है हमारी कितनी होती है 22/7 होती है, सभी को पता होना चाहिए, 22/7 r² = 154। 11 से काट सकता हूँ, 11×2=22, 11×11 11×6=44, 2 से इसे काट सकता हूँ 7, तो r² 7 × ये 7 भी दर जाएगा तो 7, तो r लूंगा यहाँ से तो ये रूट आ जाएगा, तो एक साल बाहर आ जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि हमें रेडियस ही निकालनी थी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7। यहीं आपसे आयतन भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो आयतन का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं।
तो अगर मान लो आपसे स्फीयर यानी गोला का आयतन पूछा जाए तो 4/3 πr³ होता है, तो ये आयतन का जो है वो फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए और बी की मासिक आय क्रमशः 4:5 है के अनुपात में है और उनके खर्च 5:6 के अनुपात में है। यदि ए प्रति माह 25 रुपये बचाता है और बी प्रति माह 50 रुपये बचाता है, तो उनकी आयु का योग पूछा गया है, आय का योग, सॉरी आय का योग जो है वो पूछा गया है, इनकम। ठीक है, एक चीज आपको पता होगी कि अगर मैं इनकम निकालता हूँ किसी की भी इनकम, जैसे कि आप ही की इनकम है, अगर मैं लास्ट महीने में सब कुछ खर्चा मर्चा देख के नहीं और आपकी इनकम निकालूं, तो क्या करूंगा मैं, इनकम बराबर होता है जो आपने सेविंग की हुई है और प्लस जो आपने खर्चा किया हुआ है, एक्सपेंडिचर किया हुआ है, वही रहेगी। ओके, आपके बचा हुआ और आपने जो खर्चा किया है टोटल मिला के तभी तो इनकम होगी। अब हमें यहाँ पर इनकम दी हुई है यहाँ पर 4/5, तो मैंने मान ली कि इसकी इनकम जो है वो ए की वो कितनी है 4x है और बी की हमें 5x है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ये इनकम है, बचत करता है, अगर मैं इनकम में से बचत हुई जो भी बच रहा है उसको मैं घटा दूं, जैसे कि ए कितना बचा रहा है 25 और बी कितना बचा रहा है 50, तो हमारा जो रेशियो आएगा दरअसल वो किसका आएगा, खर्चे का आएगा, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5:6। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू हमें निकाल लेना है, आय दोनों की पता पड़े, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 से यहाँ से करूंगा, 6×6=24x माइनस ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, बराबर 25x माइनस 5×25 285 हो जाएगा। यहाँ से 24x ये है, 25x ये है, तो x बचेगा और यहाँ पर आप देखोगे 100 बचेगा, 150 में से 250 जाएंगे तो 100 बचेगा, ये आप कर सकते हो खुद भी। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता पड़ेगी, अब दोनों की आयु आय का योग हमें निकालना है, हमने आय कितनी मानी थी 4x और प्लस 5x ए और बी की, तो कितनी हो रही है 9x हो रही है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 है, तो 9×100 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों की जो आय है उनका योग 900 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वृत्त में पांच सेंटीमीटर त्रिज्या के अंतर्गत त्रिज्या खंड सेक्टर में 16 सेंटीमीटर की परिधि है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये आप देखोगे ये एक त्रिज्या सर्कल है, वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है यहाँ पर 5। अब ये कोई त्रिज्या खंड है, आप देखोगे ये क्या होता है, एक त्रिज्या खंड होता है ये पूरा, इसका हमें पूरे का पैरामीटर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को गलती नहीं करना है, इसका पूरा पैरामीटर परिधि दी हुई है, तो ये पूरा ये भी 5 होगा क्योंकि ये त्रिज्या है, और ये देखिए जब हमारा ये वाला वैल्यू 10 हो चुकी है तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि टोटल पैरामीटर जो दिया हुआ है हमें 16 दिया हुआ है इसका, तो भाई 5 और 5 10 तो यही हो रहा है, तो 6 ही हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया पता करना है, तो आप एक सीधा जो है वो फॉर्मूला याद रखो, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको फॉर्मूला याद रख लेना, त्रिज्या खंड का, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बराबर 1/2 × r × l, r l। अब यहाँ पर l क्या है, तो l जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये रहेगा l हमारा, ठीक है, तो l बराबर हो जाएगी 6 और r हमारे जो रहेगी वो त्रिज्या रहेगी, तो बस 1/2 × r कितनी हो जाएगी 5 और l हो जाएगी 6, यानी ये 3 बार जाएगा और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, आगे आपको बहुत काम आएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक आयताकार उद्यान का परिमाप हमें दिया हुआ है 40 मीटर, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, उद्यान आयताकार में है तो ये आयताकार मैंने बना लिया, ठीक है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, तो हमें पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो एल ये है तो एल ये भी रहेगी और बी हमारी ये भी रहेगी, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो बराबर रहती हैं। ओके, आयताकार में तो सबको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2l + b हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हमें वैल्यू दी हुई है 40 मीटर दी हुई है,
एल प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है, तो 4 अगर मैं चौड़ाई में जोड़ देता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं, पहला इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो हम इन दोनों से जो है वो लंबाई और चौड़ाई निकाल के जो है वो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो एल प्लस बी बराबर 20, एल माइनस बी बराबर 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू यहाँ से जो आएगी 24 हो जाएगी, यानी 12 आ जाएगी। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। और जब 12 करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगी हमारी 8। ओके, 20 में से 12 जाएंगे तो 8 हो जाएगी, तो विड्थ हो जाएगी 8। अब हमें पता पड़ गया कि लंबाई 12 है और चौड़ाई हमारी 8 है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है। तो एल इंटू बी होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो 12 गुणा 8, 12 98 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, आसान था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। एक टोकरी में 4 लाल 5 काले 3 हरे 4 सफेद पत्थर होते हैं। यदि टोकरी से 2 पत्थर यथार्थ यानी रेंडमली रूप से निकाले जाते हैं तो दोनों हरी गेंदों के आने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन बॉल। अब देखिए ग्रीन बॉल तो हमारी 3 ही है, अब 2 बॉल हम निकाल रहे हैं तो 3C2 हो जाएगा। टोटल बॉल कितनी है यहाँ पर आप देखोगे, 4 9 हो जाएगी, 9 4 13 और 16। तो 16 में से हमने कितनी निकाली है, 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, बस यही हमें करना है सॉल्व। 3 × 2 हो जाएगा ऊपर, 16 × 15 नीचे हो जाएगा, 3 × 15 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो 1/40 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें कोई ऑप्शन में है ही नहीं है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी थी। एक बास्केटबॉल, ओके, 2 मार्बल आर थ्रोन रेंडमली फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ग्रीन बॉल्स। ठीक है, ग्रीन बॉल हमारी 3 है तो 2 बॉलें हमें चाहिए क्योंकि दोनों ही जो है वो ठीक है। ओके ओके, तो यही आएगा आंसर। इसमें जो है वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन जो होना चाहिए वो 1/40 होना चाहिए। ओके, तो ये इनके द्वारा गलती कर दी गई है। तो दोनों हरी गेंदों के आने की प्रायिकता जो रहेगी वो 1/40 रहेगी। ओके, 3 × 15 हो जाएगा, 2 × 8 16 8 × 40 यानी 1/40। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आयु से संबंधित है। जादू की वर्तमान आयु का मधु की वर्तमान आयु के अनुपात हमें दिया हुआ है 4:5। अगर मधु का वर्तमान आयु 30 है तो हमें जादू की आयु बतानी है कितनी हो जाएगी। ओके, देखिए जादू और मधु इन दोनों की अनुपात हमें दिया हुआ है आयु का 4:5, लेकिन मधु की वर्तमान आयु 30 है, यहाँ पर हमें 5 दी हुई है, तो 5 की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, भाई 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी जादू की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 × 4 यानी 24 वर्ष हो जाएगी। ओके, 24 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको पेन चलाने की किसी भी जरूरत नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि 5 है मधु की जो 30 दिया हुआ है, तो 5 × 6 = 30 यानी 6 आ रहा है, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 24 आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। गणेश और राजेश की आयु क्रमशः हमें दी हुई है 8:7 के अनुपात में, और उनकी आयु का योग हमें दिया हुआ है 90 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमसे पूछा गया है, क्या होगा। गणेश, राजेश, ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी 8x है और इसकी कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। अब आप दोनों का रेशियो लोगे तो हमारा 8:7 है, लेकिन इनकी आयु का योग हमें दिया हुआ है 90। तो भाई 8x + 7x = 90 कर सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों का आयु का योग हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 90, 15 × 90 होता है तो 6 आ जाएगी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं गणेश की आयु, तो गणेश की आयु 8x है तो यहाँ पर 6 वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी गणेश की आयु, 8 × 6 = 48 हो जाएगी। उसी तरीके से आप राजेश की भी निकाल सकते हो, 7 × 6 यानी 42 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद का बोला गया है तो 4 वर्ष और ऐड कर दूंगा मैं इनमें, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 52 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 46 ही हो जाएगा।
अनुपात हमसे पूछा गया है, तो दोनों का अनुपात निकाल लो, 52/46। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 से इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 3 6, 2 5 12, अच्छा 2 2 4 हो जाएगा, 6 नहीं है 5 है, 2 2 4, 2 5 12 और 2 2 4, 2 3 6, तो 26/23 इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे दोस्तों आसान से प्रश्न, आई होप आपको सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था जो नहीं बना होगा। ओके, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, बाकी के आगे के क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। ठीक है, अभी लाइव क्लासेस में थोड़ी जो है वो नहीं हो पा रही है, पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी जो है वो आपकी लाइव क्लासेस हूँ। ओके, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।